हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अमित सिंह एंड वेलकम टू द चैनल जेन्युइन रिव्यूज़ ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले दोस्तों मुझे बताओ कि आप सब लोग कैसे हो और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का मतलब थैंक यू वेरी मच कि दिन ब दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पे मतलब लोग थोड़ा सराहा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक्चुअली ना मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि लाइक ग्लोइंग स्किन के लिए और जिनकी स्किन थोड़ी ख़राब है, ऑयली है या जिनकी स्किन डैमेज है, उनके लिए कुछ अच्छी सी क्रीम लाओ सो दैट स्किन का थोड़ा ग्लो बढ़े। तो दोस्तों इनमें से जो मैं क्रीम्स वगैरह आपको बताऊँगा वो तो कुछ मैंने यूज़ की हुई है और कुछ मैंने सर्च किया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी यूज़ तो नहीं की हुई है मैंने, बट मैं वो चीज़ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए कि जो केमिकल फ्री होगी एंड स्किन में मतलब अगर फ़ायदा अगर वो 20% करेगी तो 2% भी नुकसान नहीं करेगी, ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। बाकी दोस्तों मैंने ये चीज़ें काफ़ी जगह से सर्च की हुई हैं, काफ़ी वीडियोस भी देखे हुए हैं और जो क्रीम्स मैं लाया हूँ उनकी वेबसाइट खुद मैंने देखी हुई है कि उस पर कुछ ऐसा मिला हुआ तो नहीं है, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि अपने कुछ इन्ग्रीडियंट्स दिखाती हैं बाकी हाइड कर लेती हैं। तो जो कंपनी अपने इन्ग्रीडियंट्स हाइड करती है मतलब ऑब्वियसली उसमें कुछ उल्टा सीधा मिला हुआ है। तो जो आयुर्वेदिक बहुत सी क्रीम्स होती हैं जो क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली होती हैं केमिकल, बट वो हाइड करते हैं, तो यार ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं आएगा उस पर। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं ज़्यादा नहीं लाया हूँ आपके लिए क्रीम्स, जो भी लाया हूँ अच्छी लाया हूँ, और आप उसका यूज़ करके मुझे ज़रूर बताओ कि कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो सारे पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने चेहरे को सुंदर और बेदाग बनाए रखना चाहते हैं तो हाँ, यहाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसी बढ़िया फेस वाइटनिंग क्रीम्स लेकर आया हूँ। इन सभी फेस वाइटनिंग क्रीम में कई आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए हम फेस वाइटनिंग क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ फेस वाइटनिंग क्रीम ऐसे होते हैं जिनमें कई हानिकारक केमिकल होते हैं जिससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर आप भी अपने चेहरे के दाग धब्बे, रिंकल्स और बढ़ती उम्र के साथ साथ होने वाली दिक्कतों से परेशान हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ अच्छे वाइटनिंग क्रीम लेकर मैं आया हूँ, वो आपके लिए आप ज़रूर एक बार ट्राई करो और मुझे उसमें कमेंट में बताओ, बिकॉज जितनी मैं आपके लिए चीज़ें लेके आया हूँ विच इज़ केमिकल फ्री सो दैट आपको कोई नुकसान ना करें, इसमें कई तरह की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट जो क्रीम मैं लेके आया हूँ डॉट एंड की क्रीम, ये एक कंपनी है स्किन केयर की डॉट एंड की। इस फेस वाइटनिंग क्रीम से आपके चेहरे से दाग धब्बे आदि साफ होंगे, साथ ही आपकी स्किन में एक ग्लोइंग रहेगा। बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्किन प्रॉब्लम जैसे झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, स्पॉट्स आदि से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये नॉन स्टिकी नहीं है और ना ही इससे आपकी स्किन ड्राई होगी, ये बेहद लाइट लाइक बेस्ट फेयरनेस क्रीम है। इस क्रीम में किसी तरह कोई केमिकल नहीं है, इसे रोजाना रात को सोने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट क्रीम मुझे लगी वो है विश केयर की प्योर ग्लो विटामिन सी फेस क्रीम। सो इस फेस वाइटनिंग क्रीम में कई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इस क्रीम से आपके लाइक कॉम्प्लेक्शन में निखार आएगा, साथ ही साथ आपका चेहरा बेदाग रहेगा। ये विटामिन सी से भरपूर क्रीम है, साथ ही इस क्रीम में हेल्दी बेरीज और संतरे के गुण मौजूद हैं, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। इस क्रीम से झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स आदि भी दूर होंगे, ये भी एक नॉन स्टिकी क्रीम है और ये केमिकल फ्री है। दोस्तों थर्ड इज डर्मोटच स्किन रेडियंस क्रीम। इस फेस वाइटनिंग क्रीम से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, इससे आपकी स्किन ब्राइट और हेल्दी रहेगी, ये स्किन को पोषित कर देगी और ग्लोइंग बनाए रखने में काफ़ी मदद करेगी। ये क्रीम इस तरह के स्किन वालों के लिए सूटेबल है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट क्रीम है। इस क्रीम से चेहरे में पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट आदि जैसी समस्याएं दूर होंगी। अच्छे रिजल्ट के लिए इस क्रीम को आप 6 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करो एंड डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा दिखाएगी ही दिखाएगी। दोस्तों फोर्थ जो है ट्रू नेचर एसेंस ऑफ यूथ, ये एक एंटी एजिंग क्रीम है। ये फेस वाइटनिंग क्रीम डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और इस तरह की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ये एक एंटी एजिंग क्रीम है, इसे लगाने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, साथ में बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्किन प्रॉब्लम से भी आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। इस क्रीम में 13 नेचुरल एंटी एजिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं, जैसे हल्दी है, चंदन है, केसर, गुलाब और भी ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, इससे आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा डेफिनेटली। दोस्तों फिफ्थ वन इज लोटस प्रोफेशनल वाइटनिंग क्रीम, ये लोटस की क्रीम है।
इस फेस वाइटनिंग क्रीम से आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और वाइट रहेगी। ये चेहरे से दाग धब्बों को हटाकर सुंदर और चमकदार बनाए रखेगी। इससे आपके डार्क स्पॉट के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन से भी छुटकारा मिलेगा। इस फेस क्रीम में ग्लिसरीन और विटामिन सी है, जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर बैलेंस रहेगा। ये बेहद लाइट और नॉन क्रीम है, इसमें किसी भी तरह का कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, जिससे आप काफ़ी अच्छा क्रश फील करेंगे। दोस्तों एक क्रीम और मैं काफ़ी इसके बारे में सर्च किया है, नेम इज़ सरोज ऑर्गेनिक्स स्किन ग्लो एंड वाइटनिंग क्रीम। ये चेहरे से दाग धब्बों को हटाकर सुंदर और चमकदार बनाए रखेगा। इससे आपके डार्क स्पॉट के साथ हाइपर पिगमेंटेशन से भी छुटकारा मिलेगा। एंड इस नेचुरल वाइटनिंग क्रीम में ग्लिसरीन और विटामिन सी है, जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर बैलेंस रहेगा। सो दोस्तों प्लीज़ इन कोई भी क्रीम को एक बार यूज़ करके मुझे आप बताना कि कैसे लगा। और दूसरी चीज़, अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है देन प्लीज़ कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट और किसी स्किन केयर डॉक्टर से आप ज़रूर करें बिफोर टेकिंग एनी क्रीम। यही मेरी आपको सजेशन रहेगी। बाकी प्लीज़ ऐसी वीडियो को प्यार देते रहें और आपका हमारा परिवार बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।